वहीं आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में चुनावी कैंपेन को धार देने की शुरुआत कर दी है। सोमवार को आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया। इस थीम सॉन्ग में पिछले 21 साल में भाजपा और कांग्रेस के कामकाज को दिखाया गया और राज्य की बदहाल व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और सड़कों की हालत भी दर्शाई गई है। और जहां एक तरफ भाजपा और कांग्रेस थीम सॉन्ग के जरिए उत्तराखंड में चुनाव प्रचार कर रही हैं, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव के लिए अपना थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के साथ भू कानून और अगले 5 साल के वादों के साथ आम आदमी पार्टी इस थीम सॉन्ग के जरिए चुनावी दंगल में उतर जाएगी। सोमवार को देहरादून में आम आदमी पार्टी के सीएम फेस कर्नल कोटियाल ने इस थीम सॉन्ग को लॉन्च किया। पहली मरतबा उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी के भी स्टार प्रचारकों का दौरा वहां पर शुरू हो गया है। सोमवार को दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष राखी बिरला ने देहरादून में चुनाव प्रचार किया और कर्नल कोटियाल के पक्ष में वोट की अपील की। राखी बिरला ने देहरादून के राजपुर रोड और कैंट विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान लोगों से आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की भी अपील की। साथ ही राखी बिरला ने दावा किया कि उत्तराखंड में बड़े स्तर पर परिवर्तन होने का अनुमान है। विधानसभा चुनावों को लेकर राखी बिरला से बात की है हमारे संवाददाता पंकज राणा ने, आप भी सुनिए। आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक उत्तराखंड के दौरे पर हैं, लगातार यहां डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में उपाध्यक्ष राखी बिरला जी हमारे साथ हैं। कहाँ कहाँ गए मैडम, कैसा रिस्पॉन्स आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में? आज मेरा प्रचार का पहला दिन था और मैंने राजपुरा विधानसभा और देहरादून कैंट प्रत्याशियों के साथ घर घर जाकर डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान की आज शुरुआत करी। निश्चित तौर पर लोग बदलाव चाहते हैं। अगर उत्तराखंड देवभूमि के वोटर्स की बात करें तो उनके मन में इस बात के लिए बिल्कुल तैयारी है कि उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों को बार बार मौका दिया लेकिन उनकी उम्मीदों पर कोई भी खरा नहीं उतरा है, तो इस बार देवभूमि और देवभूमि के लोग बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप महिला भी हैं, युवा चेहरा भी हैं, लेकिन महिलाओं को उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा टिकट नहीं दिया आम आदमी पार्टी ने? नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। जहाँ पर जो भी सक्षम उम्मीदवारी के तौर पर हम लोगों को चेहरा दिखाई दिया, निश्चित तौर पर हमने उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है। और आम आदमी पार्टी जितना महिला सशक्तिकरण पर आम आदमी पार्टी ध्यान देती है, मुझे लगता है शायद ही किसी पार्टी ने फोकस किया होगा। यहाँ पर मैंने एक नया ट्रेंड देखा है उत्तराखंड के अंदर कि कोई भाजपा से नाराज होता है तो वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेता है, कोई कांग्रेस से नाराज होता है वो भाजपा ज्वाइन कर लेता है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे और जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज आपकी राखी बिरला जी जो दिल्ली में विधानसभा उपाध्यक्ष भी हैं और उत्तराखंड में इस वक्त चुनावी कैंपेन में जुटी हुई हैं, उनका ये कहना है कि उत्तराखंड में जनता बदलाव चाह रही है लेकिन 14 तारीख का इंतजार करना होगा कि किसके पक्ष में मतदान जाता है। देहरादून से प्रतियोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा।